गाइस अभी मैं आया हूँ अपने खेत पर। यहाँ पर आपको सुनाई दे रहा होगा शायद कितनी तेज़ हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मैं आज अकेला आया हूँ। अभी मौसम देखो उस साइड कितना मस्त हो रहा है। इधर आपको थोड़ा बताता हूँ सही से, कैमरा थोड़ा फोकस नहीं कर रहा है। देखो ये देखो गाइस, बिल्कुल बादल ही बादल छाए हुए हैं और अभी धूप भी निकल रही है बहुत तेज़। तो मस्त हवा चल रही है यार, मौसम यहाँ का कुछ अलग ही रहता है। ये देखो तो गाइस अभी मैं आप लोगों के लिए कुछ टाइम लैप्स शॉट ले लेता हूँ, यहीं से कहीं पर रखता हूँ। पहले इसकी व्यवस्था देखता हूँ, फ़ोन सही से कहाँ पर रख जाएगा। इधर रख देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ से सही इस साइड का टाइम लैप्स लूँगा मैं अभी। अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं और मौसम देखिए गाइस कितना मस्त हो रहा है। और अभी ये ब्लॉग नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ क्योंकि कल मैं यार कहीं पर चला गया था, तो फिर मैं रात को आया, फिर मैंने अभी शूट किया है सीधा ब्लॉग। और बारिश देखो भाई कितनी तेज़ है एकदम से, और ओलू को भी कुछ सुनने ही नहीं। ये देखो पता नहीं इस साइड कहीं की आवाज़ आ रही है, उस पर भौंके जा रहा है भाई। यहाँ पर पता है यहाँ पर ये रोटी डरी थी इसके लिए, तो उनमें उसमें से खा रहा है। देखो घर पे खाता है नहीं है। ये देखो गाइस बहुत तेज़ बारिश होने लगी है अभी अभी, तो अभी तो मैं घर पे नहीं जा सकता, बारिश बंद हो जाएगी। फिर चलेंगे मैं ओलू, ओलू आ जाए ओलू। ओलू सिर्फ रोटी खाने में लगा हुआ है, इधर इस वाले तस्सल में डली थी तो यहाँ से खा ली उसने उठा के। अभी मौसम गाइस एक नंबर, क्लाउड देखो आप ब्लैक ब्लैक हो गए। और अभी हम जा रहे हैं पीछे। गाइस अभी हम अपनी स्प्लेंडर को थोड़ा मॉडिफाई करा रहे हैं, इसकी हेडलाइट को, तो इस पे हम करा रहे हैं ब्लैक। क्या दिक्कत आ रही है? सभी इस पर रैप हो गया है, देखो ब्लैक स्मोक, तभी इसके ऊपर स्टार और लगेगा। तो इस अभी लग रहा है इस पर स्टार। वही अभी ये लग चुका है, तो इसकी कुछ इस तरीके के लुक लग रही है। देखो वही अभी हम फाइनली पिछोर से घर पे वापस आ गए, तो अभी मैं बाइक की आपको आगे से लुक बताता हूँ सही से कैसी आ रही है। तो वही अभी मैं आपको बताता हूँ बाइक की मॉडिफिकेशन जो हमने अगले दिन कराई थी। और अभी मैं ये ब्लॉग नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ। देखो अभी बारिश हुई थी तो अभी मैं आया था चौराहे पर, तो ये देखो अपनी बाइक की कुछ इस तरीके से लुक निकल कर आती है आगे से। तो यहाँ पर ये अपना स्टार आ गया, इस पर अपने ब्लैक स्मोक टेप का रेप करा दिया और बस इतना ही मॉडिफिकेशन कराया। और अभी इसके अंदर ये यहाँ पर ये पार्किंग बल्ब होता ना, तो उसके अंदर अभी एक बल्ब भी मैं चेंज कराने वाला हूँ, उसके अंदर रेड और ब्लू लाइट वाला बल्ब लगेगा, तो फिर इसकी लुक गाइस और भी मस्त हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत और मॉडिफिकेशन कराना भी, ये भी दिख रहे हैं ना इसके इंडिकेटर्स, तो इनके भी मतलब ब्लैक रेप कराना है दोनों पर, चारों पर पीछे भी। और किसी दिन यार मेरे को इस पूरी बाइक पे यार ब्लैक रेप करा देते हैं, तो इससे बहुत अच्छी लगने लगी अपनी बाइक, पिछली लाइट पर भी, बैक ब्रेक लाइट पर, सब पर, मतलब पूरे मड गार्ड वगैरह सब पर एकदम ब्लैक रेप हो जाएगा ना, तो और भी मस्त लुक लगेगी। और इसके अंदर बल्ब डलाना है, तो इतना मॉडिफिकेशन गाइस आपको मिलने वाला है। तो देखूँगा यार कब तक हो पाता है, 2, 5 या 10 दिन बाद ये मॉडिफिकेशन मेरे को यार करानी है। तो गाइस आपने बाइक की मॉडिफिकेशन देख ही ली होगी, तो मेरे को थोड़ी बहुत और मॉडिफिकेशन करानी बाइक की, तो मैं देखता हूँ यार अभी क्या थोड़ा पैसे की थोड़ी कमी है इसीलिए, तो अभी बाद में देखेंगे कब होती है। तो पूरी बाइक पर मैं ब्लैक स्मोक टेप कराने वाला हूँ, बिल्कुल ब्लैक लगेगी अपनी बाइक, बहुत ही मस्त लुक लगेगी। और इसका बल्ब तो यार मैं बहुत ही जल्दी चेंज कराने वाला हूँ। तो इस ब्लॉग को गाइस यहीं पर एंड करते हैं,
और अभी मौसम देखो भाई कितना प्यारा हो रहा है, पीछे खेतों में पानी भरा हुआ है। तो बस मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।